पुंडरी में आज हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं स्थानीय विधायक रणधीर सिंह गोलन ने कहा कि लंपी बीमारी से बचने के लिए प्रदेश में 19 लाख गौवंश के लिए 20 लाख वैक्सीन पहुंच चुकी है और तेजी से इसका टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालन को डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि समझदारी से इस फैलती बीमारी को रोकने के लिए अपने गौवंश का टीकाकरण अवश्य करवाएं। वहीं पुंडरी की सभी गौशालाओं में मिली जानकारी अनुसार लंपी बीमारी से किसी भी गौवंश की मृत्यु नहीं हुई है। जयराम गौशाला पुंडरी का वार्षिक उत्सव पे आप देख रहे हो कि मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बारी देखा है कि हजारों हजारों की संख्या के अंदर देहात से सभी मौजूद आदमी यहाँ पे गौशाला के प्रति इतना उत्साह है कि जिस हिसाब से यहाँ पे उत्साह है उस हिसाब से तो किसी गौशाला के अंदर कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। पुंडरी गौशाला के अंदर हमारे विधायक की तरफ से इतनी ज़्यादा मदद मिल रही है और पब्लिक की तरफ से इतनी ज़्यादा मदद मिल रही है, जो हम अपने परिवार के अंदर एक गौशाला को पाल सकते हैं उससे भी अच्छे गौशाला के अंदर हमारी गौएं पल रही हैं। गौवंश बेसहारा सड़कों पे घूम रहा है, इस पे क्या कहना है? हमारी जो भी बेसहारा गौएं हैं उनको यहाँ पे लाके पूरा उसका उपचार किया जा रहा है और आपने अंदर गौशाला के अंदर जाके देखा है कि चाहे कितनी बीमार गौ है उसका भी पूर्णतया एक परिवार के तौर पे जो हम अपने बच्चे का इलाज करते हैं उतना इलाज हो रहा है। क्या संदेश देना चाहोगे? हम पब्लिक को यही संदेश देना चाहेंगे कि गौ माता हम उसको अपनी माता मानते हैं और जिस हिसाब से पुंडरी गौशाला के अंदर ये काम हो रहा है सारी गौशालाएं सभी साथी इसी तरीके से सेवा करके सारी गौशालाओं को ऐसा ही बनाएं। आपने अभी देखा कि इस साल के अंदर एक भी गौ बीमारी के अंदर भी एक भी गौ नहीं मरी। यहाँ पे हमारे साथियों ने बहुत पूर्णतः सेवा की और यहाँ की जो मैनेजमेंट है मैं उस सब मैनेजमेंट को पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना दिन रात एक करके और हमारे विधायक जी ने दिन रात एक करके इस गौशाला को पूर्णतः रूप से अच्छे तरीके से रखा। देखिए जो लंपी बीमारी चली थी उसमें केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार, केंद्रीय मंत्री रूपाला जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल और हम सब ने एक मीटिंग बुलाकर इसको काबू करने का योजना बनाई और भगवान का हम धन्यवाद करते हैं कि हम उस योजना में सफल रहे। आज लंपी बीमारी बिल्कुल पूरी तरह से काबू में है और कोई भी पशु ऐसा नहीं जिसको इंजेक्शन ना लगे हो। हमने दवाई का पूरा प्रबंध किया, मेरा विभाग है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने थी, आज सब कुछ ठीक है। वैक्सीन की जहाँ कमी थी वहाँ पूरी हो चुकी है, लेकिन आगे की क्या योजना? आगे की यही योजना भी हमने तो जो अपने डॉक्टर हैं निचले स्तर पर भी डिप्टी डायरेक्टर हैं जो DG है एनिमल का उनको आदेश दिया है जिस भी दवाई की ज़रूरत हो। मैंने तो ये भी आदेश दिया अभी जैसे बुखार हो जाता है पशु के बुखार के लिए भी दवाई का डिमांड मांगो, अगर पेट में बच्चे का दर्द हो या हमारा दर्द हो उसकी भी डिमांड रखो।